नमस्कार, मैं सुरेश, स्वागत है आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो में। तो आज हम कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए रीडिंग करेंगे जो 21 से 30 सितंबर के लिए है। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर वैलिड नहीं होती, किसी पर वैलिड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो आज हम आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर देखने वाले हैं, यानी मकर राशि वालों के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा रहने वाला है। यूनिवर्सिटी कार्ड में प्लीज, कैप्रिकॉर्न का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा रहने वाला है। यूनिवर्सिटी कार्ड में प्लीज, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा है। एनर्जी दिखाइए प्लीज, उनकी एनर्जी क्या बोलती है। तो चलिए देख लेते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और ये गाइडेंस के लिए, तो कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। तो कैप्रिकॉर्न आप का जो पास्ट रिसेंट पास्ट है उसमें आप काफ़ी कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी चीज़ के लिए आपको परेशानी हुई है, धोखा हुआ है, या आपको कुछ ऐसी परेशानी मिली है जिससे आप बाहर नहीं निकल रहे हैं। कोई ऐसी तकलीफ, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई बात ऐसी हुई है, कोई रहस्य ऐसा है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन जितना निकल पाए हैं तो, लेकिन आप जितना आप कन्फ्यूज़न दिखा रहे हैं शायद इतनी बड़ी परेशानी आपकी थी नहीं। जितना आपने इसको ओवर रिएक्ट किया है उतनी बड़ी परेशानी नज़र नहीं आ रही थी, दिखाई नहीं दे रही थी। तो अगर आप भी इसको ऐसे ही रखेंगे, पास्ट को अगर आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ में भी रखेंगे तो आपको सोमेनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं और आप अपनी बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। तो अपने पास्ट को जो बीत गया उसको बीत जाने दीजिए और अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पर ध्यान दीजिए। आपकी परेशानी इतनी बड़ी नहीं थी, आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो आपका पास्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में, परेशानियों में दिखाई दे रहा है कि आपने काफ़ी दिक्कतों के साथ इसको बिताया है। तो अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं तो आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर आ सकते हैं और अपने प्रेजेंट लाइफ अच्छी गुजार सकते हैं। तो आपका प्रेजेंट क्या बोल रहा है, जो आपकी करंट एनर्जी है बता रही है कि आप फैमिली के साथ एक अच्छा समय स्पेंड करने वाले हैं। आप, हो सकता है कि आपको दादा परदादा की या जो पैतृक संपत्ति है उसको भी मिलने के आसार आप नज़र आ रहे हैं। आपकी ये एनर्जी बता रही है कि आप पैसे के लिए स्टेबल होने वाले हैं, आपके पास काफ़ी पैसा आने वाला है, धन दौलत मिलने वाली है, हर चीज़ से आप स्टेबल होते नज़र आ रहे हैं। फैमिली के साथ, बड़ों के साथ मिलकर एक अच्छा समय आप स्पेंड करने वाले हैं। आपकी जो करंट एनर्जी है वो आपके फेवर में है। और लेकिन अगर आप घर में, परिवारजनों में, माँ बाप की या बड़े बुजुर्ग की सलाह लेकर इसको एक्सेप्ट करते हैं और बिना लड़ाई झगड़े के इसको मान लेते हैं तो ये आपके लिए और भी अच्छी होगी, आपके फेवर में होगी। फ्यूचर, तो ये आपका फ्यूचर के लिए आया है करंट, ये आपका रिसेंट फ्यूचर जो नियरेस्ट फ्यूचर के लिए है कि जो गलतियां आपसे हुई थी या जो पीछे पास्ट चला गया है, जो परेशानियां थी, जो दुख तकलीफें थी आपकी वजह से थी या आपके पर्सन की वजह से थी, तो उनसे, उन परेशानियों से अब बाहर निकलने का समय है, एक नई शुरुआत करने का समय है। अगर आपने कोई गलती की थी तो सामने वाले से अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं और माफ़ कर देते हैं तो ये एक रिश्ते में अगर आप एक नई शुरुआत करते हैं किसी भी काम में, अगर आप चाहे वो बिजनेस के लिए है, चाहे रिलेशनशिप के लिए है या लव के लिए है, तो
आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, आपका फ्यूचर सिक्योर होता नज़र आ रहा है, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। तो ये खास तौर पर अगर आपका रिलेशन कहीं पास्ट में किसी कारण से अलग हो गए थे, सेपरेशन हो गया था, टूट गया था, तो एक रिकॉन्सिलेशन का कार्ड है, आप उसको एक नए सिरे से नई दिशा दे सकते हैं और शादी के लिए भी आप इसके लिए सोच सकते हैं। रिलेशन में अगर दूरियां आ गई थी, आपके लव में दूरियां आ गई थी, बिजनेस आपका डूब गया था, कोई भी मतलब किसी भी चीज़ से लेकर अगर आपका पास्ट थोड़ा सा खराब हुआ है, तो उसको नए सिरे से आप शुरू कर सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं, नया मोड़ दे सकते हैं। वो ये आपका फ्यूचर आपके फेवर में होगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी, आप इसको अच्छा सिक्योर कर सकते हैं और एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं। द सन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, गुड न्यूज़। आप एक बच्चे की एनर्जी में रहने वाले हैं, गाइडेंस दी जाती है कि आप अगर आप अपने फ्यूचर को या प्रेजेंट को एक बच्चे की एनर्जी के साथ जीते हैं, तो आपको काफ़ी इसमें फायदा होने वाला है, आप तरक्की करने वाले हैं, प्रोग्रेस करने वाले हैं। तो आप और आपको गाइडेंस दी जाती है कि आप बच्चों के साथ खेलिए, एंजॉय कीजिए, और जिनके घर में नई नई शादी हुई है, बच्चा नहीं है, उनके घर में बच्चा भी आने के आसार इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो आप आगे एक बच्चे की एनर्जी के साथ आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकते हैं, बिना गुस्से के, बिना झगड़ा किए। अगर आप खुशी खुशी इस रिश्ते में या अपने काम को नया अंजाम देते हैं, तो ये आपके फेवर में होगा, बहुत अच्छा होगा। तो जिस चीज़ में भी आप हाथ डालेंगे वो आपके फेवर में होगा, बस यही है कि आपको एक अच्छी एनर्जी के साथ, अच्छे समय के साथ इस काम को करना है, और आपको इसका अंजाम, इसका रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। इसमें ब्राइट सन दिखाई दे रहा है, तो जिस चीज़ में भी आप हाथ डालेंगे आपकी किस्मत चमकने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।